इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सांबा से। आपको बता दें सांबा सेक्टर के चक फकीरा में एक सुरंग मिली है। जी हां, आपको बता दें बीएसएफ को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इस वक्त की बड़ी खबर सांबा से हम आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान की बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर सांबा से, आपको बता दें बीएसएफ की ओर से तलाशी अभियान चलाया जा रहा है सांबा सेक्टर के चक फकीरा में। बीएसएफ को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पर पाकिस्तानी सुरंग मिली है। आपको बता दें वहीं पूरे इलाके में बीएसएफ की ओर से तलाशी अभियान अभी भी जारी है। बीएसएफ को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें पाकिस्तान की बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर सांबा सेक्टर से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आईबी के समीप एक सुरंग मिली है और साथ ही बीएसएफ द्वारा तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें सांबा जिले के अंतर्गत पड़ने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीप एक सुरंग मिली है। आपको बता दें आशंका जताई जा रही है कि गत दिनों इसी सुरंग से सीमा पार पाकिस्तान की ओर से आतंकवादियों ने घुसपैठ की है। इसके बाद आसपास के इलाकों में बीएसएफ की ओर से तलाशी अभियान जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर सांबा से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बीएसएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सांबा सेक्टर के चक फकीरा में एक सुरंग मिली है। आपको बता दें बीएसएफ की ओर से पूरे इलाके में तलाशी अभियान जारी है। पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है और सांबा सेक्टर के चक फकीरा में एक सुरंग मिली है। साथ ही अभी भी बीएसएफ की ओर से तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कुछ दिन पूर्व जो पाकिस्तान की ओर से आतंकवादियों ने घुसपैठ की थी, तो ऐसी आशंका जताई जा रही है कि वो इसी सुरंग से जो है सीमा पार करके भारत में आए थे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको सांबा से बता रहे हैं, सांबा सेक्टर के चक फकीरा में सुरंग मिली है। आपको बता दें 22 अप्रैल को जम्मू के सोजवा इलाके में सीमा पार पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने सीआईएसएफ की बस को निशाना बनाया था। इसके तुरंत बाद आतंकवादियों ने नाके पर तैनात पुलिस की गाड़ियों पर भी ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। हालांकि इस हमले में दोनों आतंकवादियों को मार गिराया गया था। इसके उपरांत सिदड़ा के रगुड़ा इलाके में हाईवे के समीप आईईडी भी बरामद हुई थी। आपको बता दें पाकिस्तान में बैठे आतंकी आका कश्मीर में घट रही आतंकवादियों की संख्या से काफी चिंतित है और यही वजह है कि सीमा पार पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की कोशिश लगातार की जा रही है। और आज जिस तरीके से जो है एक सुरंग मिल रही है, ये अपने आप में बीएसएफ के लिए एक बड़ी कामयाबी है।